हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला बहुत इंपोर्टेंट मैथ का 5 नंबर वाला सवाल बताने वाला हूँ। और 5 नंबर सवाल आप बनाओगे तो 20 अंक आपको मिलने वाला है। और बहुत मैं बता रहा हूँ 100% इस वीडियो को देखने वाला आपको 100% मैं चांस बता रहा हूँ कि ये टॉपिक से सवाल छपेगा एग्जाम में। 100% बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 100%, ठीक है ना। उनमें से मैंने 4 क्वेश्चन लिया है और वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी पैटर्न पे। सेम क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उसी पैटर्न पे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस टाइप का जो टॉपिक है ना उसको आप एकदम 100% क्लियर कर लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि एकदम आएगा तो आएगा। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस आना ही है, एकदम तय है, ओके। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ, तो मीनार की ऊंचाई निकाली। देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको हल करते हैं। जैसे पहले सवाल बनाते हैं, एक मीनार है उसके ऊपर 10 मीटर ऊंचा झंडा है, तो मानते कि ये वाला मीनार है, जमीन भी होगी, तो यहां पे मीनार के ऊपर फिर एक झंडा खड़ा हुआ है। देख रहे हैं, ये मीनार यहां से तक मीनार है और इसके ऊपर क्या, एक झंडा खड़ा हुआ है। अब झंडा के पाद के मतलब हुआ झंडा का जो पैर है, इस पैर का उन्नयन कोण और उसका शीर्ष से बोला तो शीर्ष का उन्नयन कोण कितना, क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले पाद, मतलब पहले पैर के बारे में बोल रहा तब शीर्ष के बारे में बोल रहा, तो पहले 30 फिर 60। तो अब देखिए, सबसे कम झुकाव कौन, यही तो सबसे कम झुकाव है, जो ज्यादा झुका रहेगा, सॉरी, जो ज्यादा झुका हुआ रहेगा ना वो डिग्री भी उसका कम रहेगा, ऐसे भी देख रहे हैं। और देखिए, खड़ा है, जितना खड़ा होगा उतना उसका कोण जो है ज्यादा रहेगा। तो इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी डी, किसी तरह से भी नामकरण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो इसने दिया वो आपको लिख लेना है। अब देखिए, यहाँ पे जो कुछ दिख रहा ना वो आपको लिख लेना है, आप जो भी लिखिएगा ना सही होगा, गलत नहीं होगा। जो यहाँ पे दिख रहा, क्या दिख रहा, बी सी मीनार है, उसकी ऊंचाई को मैंने एच माना, ए बी क्या है, झंडा था, उसको मैंने झंडा ए बी मान लिया झंडा, और 10 दिया हुआ है 10 मीटर, डी सी को मैंने क्या एक्स मान लिया। अब यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक ट्रायंगल बी सी डी या सी डी बी बोल सकते हैं, और एक ट्रायंगल ए सी बी। तो पहले हम छोटा कर लेते फिर बड़ा कर लेंगे, पहले छोटा ले लेते हैं ना फिर बड़ा लेंगे। तो लेते हैं त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज का नाम क्या करेंगे, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। तो देखिए यहाँ पे ये हम ले रहे हैं 30 डिग्री, यहीं तक 30 डिग्री, देखिए यही वाला है, तो ये लंब है, ये आधार है, किस में आएगा, टैन में आएगा, तो टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारा एच है, आधार क्या है, एक्स है। अब आपको पता है टैन 30 का वैल्यू 1/√3 एच बाई एक्स, अब क्या क्रॉस गुना कर देंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, √3 एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं पे हम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, एग्जाम में बनाओगे तो नीचे जाना, जब तक पेज खाली तो नीचे जाना, तब जाके लाइनिंग खींचना, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, त्रिभुज बड़ा त्रिभुज लेते हैं ए सी डी में, है ना, त्रिभुज ए सी डी में, तो यहां पे क्या लेंगे, टैन 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री जो है ये बड़ा त्रिभुज के लिए 60 डिग्री, तो इसके लिए लंब कौन होगा, ए सी, आधार कौन होगा, डी सी, तो एसी बटे डीसी लिख लिया। अब टैन 60 का वैल्यू √3 होता है, एसी को हम, अच्छा ये वाला दिया हो ना 10, एसी को मैं लिख सकता हूं 10+s, लिख सकते हैं ऐसे, तो मैंने लिख दिया। अब यहां पे एसी को 10+h लिख देंगे, 10+h, और डीसी कितना है, x है। अब यहां पे क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहां पे रख दें, जहां एक्स का वैल्यू √3 था ना, यहां पे जहां पे एक्स था वहां पे लिखते हैं, एच का मान कितना था, देखो ये एक्स का मान कितना था, √3h। तो अब कैसे है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि एक्स से बराबर √3h, ऐसे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, देखो √3 को √3 गुना करेंगे, क्या होगा, 3h, और 10+h, तो 10 को एच को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा। अब 3h में से 1h घटेगा तो 2h बराबर 10, 2 × 5 = 10, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 5, क्या दिया है मीटर में ना, तो 5 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई 5 मीटर आ गया, लेकिन इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ओके।
अब दूसरा जो हमारा सवाल है ना, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो भाई साहब, तो मन तो गदगद हो गया होगा, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले हमको क्या करना है, टेबल बनाना है। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में ग्राफ कॉपी मिलेगा, तो फिलहाल मैं इसी पेज में हल करता हूँ। ग्राफ पेज के लिए ग्राफ में बनाऊंगा। ओके, पहले यहाँ पे देखते हैं। तो एक्स, ये पहले समीकरण है, देखो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण पहले फर्स्ट लेते हैं, क्या है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो क्या लिख दो यहाँ पे, या नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे तो नहीं भी निकालेंगे कोई हर्ज नहीं, हम चाहे तो आसानी करने के लिए निकाल सकते हैं। चलो तो सिक्स माइनस टू वाई हो जाएगा, प्लस जाके माइनस बन गया। अब यहाँ पे एक बनाएंगे बॉक्स, यही भी बनाते हैं बॉक्स, इधर बनाते हैं, चलिए यही बगल बनाते हैं, ये वाला लेते हैं। बहुत आसान है ग्राफ बनाना, बड़ा आसान है, ठीक है ना, आपको आता होगा। देखिए x है, y है, नहीं आता तो देखिए, अब देखो x से y के जहां पे क्या वैल्यू, छोटा से छोटा वैल्यू रखना है, और वैसा वैल्यू जो पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना। तो अगर y जगह पे हम जीरो रख देंगे तो बड़ा छह आ जाएगा, कुछ और सोचो। y जगह पे हम एक रख देंगे तो दो घटेगा, तो चलो y जगह पे जीरो रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। आप बॉक्स से डायरेक्ट भर सकते हैं या डायरेक्ट लिख कर हल भी कर सकते, ठीक है ना। यदि y बराबर जीरो, इसलिए x से बराबर क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस टू इंटू जीरो, तो छः इंटू दो, छः माइनस टू क्या हो जाएगा, सॉरी जीरो ना, दो को जीरो ना करें, जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x y का वैल्यू जीरो माना, तो x का वैल्यू कितना आ गया, छः आ गया। अब y का वैल्यू कुछ और मानो, y का वैल्यू मैं मानता हूँ टू मान लूँ, तो या वन मानो, वन तो लिखते हैं, यदि y बराबर वन, तो इसलिए x से बराबर क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस टू इंटू वन, तो दो कितना आ गया, चार, है ना। तो y का वैल्यू वन माना, तो x का वैल्यू कितना आ गया, फोर आ गया। अभी मेरा एक बॉक्स बना इस समीकरण से, अब इस समीकरण से बनाना टू एक्स माइनस फोर वाई बराबर बारह, है ना। यहीं पर लिखते हैं तथा समीकरण सेकंड से। आपको अगर ये वाला नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स भर दीजिएगा सही सही, तो आपको नंबर नहीं कटेगा, मिल जाएगा। ये वाला कर क्यों है, ताकि दिक्कत ना हो, कहीं पे कंफ्यूजन ना हो, कहीं पे मिस्टेक ना हो। ओके, तो ये समीकरण सेकंड है, टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व। यहाँ पे भी चाहो तो कर सकते हो एक साइड, तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो दो ले लो कॉमन, पहले इक्वेशन को, मतलब कोशिश ये करना कि इक्वेशन को सॉर्ट कर दे, और जब आपका इक्वेशन सॉर्ट होगा तो वैल्यू बैठाना आसान होगा आपका। तो एक्स माइनस दो दूना चार बराबर बारह, दो छक बारह, क्या है, एक्स माइनस टू वाई बराबर छः। लो जी, तो ये टू वाई इधर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, उसमें था माइनस, इसमें आ गया प्लस। तो यहां भी एक तो बॉक्स बनाते हैं, एक्स है ये वाई है, तो आप चलिए यहां पे यहीं पे लिखते हैं। यदि एक्स बराबर मैं क्या मानू, जीरो मान लू, वाई बराबर जीरो मान ले, है ना। यदि वाई बराबर जीरो, इसलिए एक्स से बराबर क्या आ जाएगा, छः प्लस टू इंटू जीरो, तो बोले तो छः ही आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू जीरो, तो एक्स का वैल्यू छः आ गया। फिर दूसरा मानते हैं, हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला, आप यहाँ पे y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फिर x का वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर y का वैल्यू वन मानेंगे तो देखो दो और छः दो आठ हो जाएगा ना, तो बड़ा वैल्यू आ रहा ना, चलो कोई बात नहीं, बड़ा वैल्यू भी मान सकते हैं। तो लिखते हैं y बराबर क्या, वन, या तो माइनस वन मानते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, बड़ा सा वैल्यू आ रहा मेरे पास, तो कोई दिक्कत हम नहीं। अगर वन का वैल्यू, y का वैल्यू वन मानेंगे तो देखो छः दो आठ हो जाएगा, है ना, दो कम दो, तो वन मान सकते हैं, बड़ा वैल्यू आ जाएगा, और क्या, थोड़ा ग्राफ बड़ा बनेगा। तो छोटा मान लीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ज्यादा खींचना नहीं पड़ेगा नीचे। तो y का वैल्यू क्या मान लू मैं, माइनस वन मान लू, माइनस वन मानते हैं, चलिए तो घट जाएगा, तो सेम आ जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक से बराबर क्या आ जाएगा, सिक्स प्लस टू माइनस वन, तो सिक्स माइनस टू कितना गया, फोर आ गया। तो y का वैल्यू माइनस वन, तो x का वैल्यू फोर। अब इसी बात को, ये मेन दो बॉक्स है ना, ये दो बॉक्स, अगर आप इतना सॉल्यूशन नहीं करके सिर्फ दो बॉक्स लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, मैंने कलम चला लिया, आपको एग्जाम में कलम नहीं चलाना, पेंसिल से लिखना, ठीक है, मैंने पेंसिल से लिखा लेकिन कम दिख रहा था। अब देखिए इसका नाम, यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, ठीक है ना। अब एक से मैंने ज्यादा लिया क्योंकि इस बॉक्स में देख रहे हैं, एक से छह तक है, छह चार है, वाई तो जीरो वन है, यहाँ भी देखिए छह चार, तो एक से बड़ा से बड़ा छह तक है, तो हम क्या किए, छह तक ले लिए, और वाई भी लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है, यहाँ पे कर सकते माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। तो मैं कलम से बना रहा था कि आपको दिखे सही से, आपको एग्जाम हॉल में पेंसिल से बनाना है। अब देखिए पहला ग्राफ,
आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मान के बना सकते हैं। ग्राफ आपका जब भी बनेगा तो एक एक ही साइड बनेगा। अगर ग्राफ कट रहा है तो इस इक्वेशन से अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। अब देखिए हल करके, 1/2 ठीक है, 1/2 और यहाँ पे 2/, यहाँ भी कटेगा तो क्या होगा, -1/2। आपस में बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा बराबर, तो जब आपस में बराबर नहीं होता तो रेखा कैसे होता है, प्रतिच्छेदी होता है। अब एक बात तो समझ गए, जब आपस में बराबर नहीं होता है, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो रेखा हमेशा प्रतिच्छेदी रहेगा। अब चाहे कुछ भी वैल्यू बना रहे हो, रेखा प्रतिच्छेदी होना चाहिए, ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी आना चाहिए। तो देखिए हमारा पहले क्या होता है, 6, 0 लेना है, 1 से 6 y0, 1 से देखो 6 है तो y तो 0 है, तो मतलब हमारा पॉइंट क्या यहाँ पे बनेगा, 6, 0। उसके बाद क्या है, 4, 1, 1 से 4 y1, 1 से 4 है यहाँ पे y1, देखो यहाँ पे गया 4, 1। चलिए तो पहला जो ग्राफ हमारा बनेगा लाइन, हम पहले इसको एक स्केल रखेंगे, स्केल रख कैसे जो है आर पार खींच देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब पेंसिल से आपको बनाना है जी, मैं आपको बता रहा हूँ इसको पेंसिल। उसके बाद क्या है, देखो 1 से 6 y0, दूसरा ग्राफ में भी आप कुछ भी वैल्यू माने, हमने वैल्यू माना 6, 0 आ गया, तो 6, 0 मतलब यहीं पे आ गया, इसका भी वही 6, 0 आएगा दूसरा भी। और क्या 4, -1, तो 4 तो है 1 से 4 लेकिन -1 यानी कि नीचे, देखो यहाँ पे। तो अब क्या बनेगा हमारा ग्राफ, इस पॉइंट से होकर गुजर जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि इसका भी पॉइंट वही आया था, तो यहां से क्या करेंगे, गुजार देंगे। अब देखिए रेखा कट रहा है, दूसरे को प्रतिच्छेद हो रहा है कि नहीं, रेखा क्या हो रहा, प्रतिच्छेद हो रहा। अब ये जो रेखा था, किसका ग्राफ, किस ग्राफ का रेखा था, ये जो रेखा था ग्राफ था x+2y, तो यहां पर लिख देंगे x+2y = 6। और ये जो लाइन है किसका रेखा था, 2x-4y = 12, 2x-4y = 12 हो गया, है ना, यही तो करना था और कुछ भी नहीं करना था, आपको फुल्ली नंबर मिलने वाला, एक नंबर भी नहीं कटेगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। आगे पढ़ते हैं, अब जो तीसरा क्वेश्चन है ना, काफी लाजवाब है, एकदम इम्पोर्टेंट, NCERT वाला जितना सारा त्रिकोणमिति लॉन्ग वाला सब बना लीजिए, और एग्जाम्पल जो है ना उसको भी बना लीजिए। तो एनसीईआरटी से एक सवाल 100% पूछेगा, जैसे इससे पहले मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्शन बताया, कंस्ट्रक्शन से 100% एक, सॉरी मैंने ग्राफ बताया, ग्राफ से 100% एक पूछेगा, ठीक है ना। और ये त्रिकोणमिति से एक सवाल तो आना ही आना है, एकदम तय है कि आना है, तो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर को क्लियर कर लो। चलिए बनाते हैं, ये LHS है RHS, हमको LHS बनाना, RHS लाना है, ठीक है ना। सोल्यूशन करते हैं, LHS क्या दिया हुआ मेरे पास, tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस ऊपर क्या दिया हुआ, cot थीटा बटे 1 - tan थीटा। तो अब इस सवाल में करना क्या है जी, इस सवाल में ये करना है कि cot जहां जहां cot दिख रहा है उसको tan में बदल देना है, ठीक है, जहां cot वहां पे tan में बदल दीजिए। चलिए तो ये ऊपर जो tan थीटा वैसे रहेगा, ये cot को बदलेंगे, देखिए इस cot को बदलना है, तो cot को मैं क्या लिखूं, 1/tan थीटा कर दे यहां पे प्लस, इस cot को बदलेंगे क्या होगा, 1/tan थीटा, और ये जैसे नीचे लिखा होता ऐसे ही नीचे लिख देना, 1 - tan थीटा। ओके यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे जी, अब देखो ये इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, इस ये वाला पार्ट को भिन्न का जोड़ करना है ना, तो चलिए देखिए ध्यान से, तो ये मैंने पहले जो बट्टा जो खींचा हुआ तो उसको ऐसे लिख लेंगे, tan ऊपर में था ऐसे लिख देना। अब इसको करना क्या, भिन्न का जोड़ करना, देखिए तो tan ले लेंगे LCM, है ना, tan LCM ले लेना है, ओह माय गॉड, तो जगह मैंने छोड़ा नहीं यहाँ पे, tan मैंने LCM ले लिया यहाँ पे जगह, तो tan में LCM ले तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे tan थीटा -1। ओके दिख रहा आपको, ये बड़ा वाला बटा था, ये वाला बटा को मैंने ये वाला बनाया, और इसमें से 1 - 1/tan को मैंने tan LCM लिया, ऊपर तो वो तो है ही है, ऊपर को तो जैसे है वैसे रहने दो, है ना, ऊपर को कुछ करना नहीं है। अच्छा ये वाला जो करेंगे आगे करेंगे, 1/tan थीटा था और 1 - tan थीटा, इसका मेन बटा ये वाला है, ठीक है, मेन वाला बटा याद रखिएगा। अब जो को भाग है ना मेन वाला, इसको भाग को गुणा में पलट देंगे, तो गुणा में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जी tan थीटा, इसके नीचे क्या छुपा हुआ, 1, और ये जो है ये tan थीटा कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और tan थीटा -1 ये आ जाएगा नीचे, tan थीटा -1 प्लस, यहां पे भी अगर गुना में पलटेंगे तो 1/tan थीटा गुना में, और इसके नीचे क्या छुपा हुआ, 1 - tan थीटा के नीचे क्या 1 छुपा हुआ है, तो 1 गया ऊपर में और 1 - tan थीटा गया नीचे। ओके उसके बाद देखो tan tan मिलके क्या बन गया, tan का स्क्वायर, और यहां पे tan -1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा -1। उसी तरह यहां देखिए 1 को 1 से गुना किया 1 आ गया, और tan तो बाहर में है, 1 -
टैन थीटा। एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक टैन थीटा माइनस वन और वन माइनस टैन थीटा कुछ थोड़ा सा मैच कर रहा, लेकिन पूरा मैच नहीं कर रहा। अगर पूरा मैच करता तो मेरा कुछ ना कुछ हल निकलता, ये दोनों एलसीएम करने में आसान होगा। तो अगर टैन थीटा माइनस वन, इसको भी टैन थीटा माइनस वन कर दे तो माइनस हमको कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो जब कॉमन लेंगे, देखिए टैन स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, ओके, टैन का जो स्क्वायर है उसको ऐसे रहने देंगे, ये टैन थीटा माइनस वन, तो ई वाला माइनस को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस, जो कॉमन माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा, ये प्लस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और टैन थीटा तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां पे जो टैन जो माइनस में था अब ये बन जाएगा प्लस में, और ये वन जो प्लस में था ये बन जाएगा क्या, माइनस में, और ये टैन माइनस बना था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे अब हमारे लिए आसान हो गया, एलसीएम लेना आसान हो गया। देखो अब हम एलसीएम ले सकते हैं, क्या लेंगे, टैन थीटा माइनस वन इंटू टैन थीटा, है ना। देखो टैन थीटा माइनस वन मिल गया, टैन थीटा माइनस वन, टैन थीटा माइनस वन, और टैन थीटा हो गया एलसीएम। तो अब इसे डिवाइड करेंगे, टैन थीटा माइनस वन, टैन थीटा माइनस वन कट जाएगा, बचेगा टैन थीटा, और टैन स्क्वायर को टैन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन पर पावर थ्री थीटा। उसी तरह यहां देखो टैन टैन इंटू टैन माइनस वन, तो सेम मैच कर गया ना, टैन इंटू टैन माइनस वन, तो क्या गया, वन आ गया। अब यहां पे एक एक बात जानो, वन का क्यूब अगर कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि वन का क्यूब तो वन ही होता सर। अब एक फॉर्मूला आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे जगह तो बच जाएगा ना, मिल जाएगा जगह, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो ए है, ई बी है, फॉर्मूला ए माइनस बी, यानी कि क्या लिखेंगे, टैन, देखिए टैन माइनस वन, ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कौन है, टैन है ना, ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर, या ए बी लिखो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी की तरह टेन थीटा इंटू वन, तो टेन ही थीटा होगा ना, ए बी को मतलब ए को बी से गुना कर दिया, अब प्लस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा। अब नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा, तो एक बात देखिए ये दोनों कट गया। अब क्या करेंगे, टैन थीटा से डिवाइड हो जाएगा सब, है ना, सब टैन थीटा से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको अलग अलग करो, टैन स्क्वायर थीटा बटे टैन थीटा, यानी कि इसको इसे भी डिवाइड किया प्लस, फिर टैन को टैन से भी डिवाइड करेंगे, टैन थीटा बाई टैन थीटा, फिर वन को भी टैन से डिवाइड करेंगे, वन बाई टैन थीटा। अब देखो टैन से टैन कटेगा तो एगो टैन यहाँ पे बच जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, टैन थीटा, आई टेन से टेन कटा तो क्या बचा, वन बचा, और वन बाय टेन क्या होता है, कॉट होता है, मेरे को क्या निकालने बोला, वन प्लस टेन प्लस कॉट, तो इसको सुधार लेते हैं, वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आर एच एस क्या हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल, है ना, कोई भारी सा क्वेश्चन नहीं था, बड़ा आसान था, ओके। अब आगे जो सवाल पढ़ेंगे काफी इम्पोर्टेंट होगा, ये आगे जो सवाल देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से सवाल उठाया है, कंस्ट्रक्शन, और एक कंस्ट्रक्शन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, और मैं बता दूं कौन सा कंस्ट्रक्शन आएगा, एनसीईआरटी का 14 को क्वेश्चन दिया हो कंस्ट्रक्शन का, बना लो एक तो सवाल छप जाएगा एग्जाम में, और आपके एग्जाम में एक सवाल छप जाए तो कम बड़ी बात नहीं है यार, है ना। अब देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचना है जो दो परस्पर 60 डिग्री पे झुका हो, इसका मतलब मैं अगर रफ में समझा दूं, देखिए ये समझिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और ऐसा इस पे स्पर्श रेखा खींचना है जो ये दोनों कोण 60 डिग्री हो, हम तो हाथ से बना लेते लेकिन आप हमको बनाना है, कंस्ट्रक्शन बनाना है, प्रकार वगैरह से यूज करना है, ओके। अब एक बात समझिए, बोलता है क्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, ठीक है ना, और दो स्पर्श रेखा खींचना है जो परस्पर 60 डिग्री पे झुके हो, तो ई वाला 60 डिग्री होगा, तो मुझे बताइए ये जो कोण बनेगा कितना बनेगा, आपको पता है ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री होता है, तो ये वाला 60 होगा, इसका मतलब ये वाला कितना होगा, 120 डिग्री, और अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं, आधा दे बांट देते हैं, तो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, है ना, समझ रहे ना। तो ये हम लाइन 20 से खींच सकते हैं, कोई बिंदु बाहर लेंगे और 20 ऐसे बिंदु खींच देंगे, अब कितनों बड़ा लेंगे तो 60 डिग्री कोण बनाना, हमको यहाँ पे 60 डिग्री झुकाना है, लेकिन इतना जान गए हम कि यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो ऐसे एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री 60 डिग्री बनेगा हर हाल में, ये तो हम बात हर हाल में जान रहे हैं, क्योंकि ये 60 हो गया तो अभी तो 120 में से बंटवारा होना है, ठीक है ना, ये समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं,
तो स्केल ले लेना है और ये प्रकार बना लेना है प्रोटेक्टर से। तो 4 सेंटीमीटर मुझे नाप लेना है, ठीक है, 0 से 4। देखिए यहाँ पे 0 है और 4 यहाँ पे आपको नाप लेना है, और नापने के बाद आपको घुमाना है, वृत्त बनाना है। तो हमको इधर बनाएंगे, ठीक है ना, स्पर्श रेखा। तो हम इधर से घुमाते हैं, ज़्यादा बड़ा बन जाएगा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं। आपको देखिए कहाँ पकड़ना है पॉइंट, बहुत सा बच्चा पकड़ता है गलती यहाँ, ये इस पेंसिल को तो कुछ छूने ही नहीं, इसको पकड़ना है, ठीक है ना। और मेरा पॉइंट ये था, और पेपर को घुमा दीजिए, नहीं तो हाथ कलाई घूमता तो ठीक, नहीं तो पेपर को घुमा दीजिए, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे अब इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमको सीधा बनाना है इधर, तो हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना, सीधा सीधा एक लाइन खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा से एक लाइन खींच लेते हैं। अच्छा, कभी कभी सवाल ऐसे ही होता है कि वृत्त केंद्र से इतना दूरी खींचिए, यहाँ पे नहीं बोल रहा ना, तो हम अपना मन से यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं। अब यही स्पर्श रेखा बनेगा, लेकिन जान रहे हैं कि यहाँ पे दोनों कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 60-60 बनेगा। तो हमको पता चलेगा कि हमको यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाना है, तो अब इसकी मदद से भी बना सकते हैं। आपने पढ़ा है 60 डिग्री कोण कैसे बनाना है, चलिए तो आप चांद की सहायता से बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसकी सहायता, तो इसी से बनाते हैं। तो मुझे क्या करना है, एक तो ऐसे लेना पड़ेगा और एक कट लगाइएगा यहाँ पे, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी घुमा लेंगे हम, यहां से इधर के लिए इधर घुमाते हैं और एक कट लगाएंगे यहां से, तो 60 डिग्री बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो बन गया हमारा, तो अब मुझे क्या करना होगा, देखो जी इसको हम छोटा बड़ा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस पॉइंट से लेकर के इसको हमको मिलाना पड़ेगा यहाँ, और इस पॉइंट से लेकर के हमको इस पॉइंट से इस केंद्र से हमको इधर मिलाना, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो इतना पता चल गया कि ये कितना कितना कोण है, 60 डिग्री है, ये भी कितना है, 60 डिग्री है। और आपको पता है जब दो स्पर्श रेखा मिलती है, ये भी आपने नियम पढ़ा है कि जब दो स्पर्श रेखा जब मिलती है, तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा, ये जो क्या त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको पता है, आप जानते हैं, तो आप जानते हैं तो जल्दी से 90 डिग्री कोण बनाते हैं। अब क्या करें, हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, देखिए पेपर घुमाते हैं। अब 90 डिग्री कोण बनाना है भाई, तो क्या करेंगे, यहां से लेंगे, आपको पता है क्या करना है, 90 डिग्री कोण आप इसी से बनाइए, अच्छा रहेगा, नंबर भी मिलेगा 5 नंबर, इससे ऐसे करना है। अब आपको पता है पहला कट काटेंगे तो 60 डिग्री और दूसरा कट में 120 डिग्री, लेकिन 90 बनाना है ना, तो दोनों का आधा करेंगे। ये आपने 6-7 में पढ़ा होगा कोण बनाने के लिए। अब ये हमारा बन गया भाई साहब, तो एक तरफ तो बना, अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, जहां पे मिलेगा वहां पे हम जाकर फिर उसको मिटा देंगे लाइन को। देखो कहाँ पे मिल रहा जाकर हमारा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिख रहा, ये जाके यहाँ पे मिल रहा, तो हम यहाँ पे मिला देंगे, मिल गया। अब इधर ही बनाना हमको 90 डिग्री को, ये छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर बन गया अलग, इधर अलग से बना सकते हैं। तो जितना बड़ा हिसाब से ले है उतना बड़ा लेंगे हम। तो एक बार कट करेंगे तो 60 डिग्री और दूसरा बार कट करेंगे तो 120 डिग्री। अब इस 60 और 120 को आधा कर दो तो 30-30 में बढ़ जाएगा, देखो है कि नहीं। अब आधा कर दिए भाई, तो फिर इसको ही मिलाते हैं, तो ये भी जाके मेरे ख्याल से वहीं पे जाके मिलेगा जो पहले मिला था। ये पॉइंट है और इस पॉइंट को यहां रखा मैंने, देखो इस पॉइंट को यहां रखा और इस पॉइंट को, तो देख रहे कुछ ना कुछ तो आपको दिख रहा है, एकदम जाके सेम वहीं पे जाके मिलेगा। अब ये जो हमारा बचरा है, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते, देखो किसी बच्चे का रेजर है भाई, इसको मिटा देते हैं, ओके। अब आपको क्या करना है, नामकरण कर दीजिए, नाम वाम डाल दीजिए क्या। तो मेरे को बन गया ए है, यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ पे पी ओ मान लो, ठीक है। अभी कितना हो गया, ये जो कोण है 60 डिग्री हो गया, यही तो बोल रहा कि परस्पर 60 डिग्री पे झुका हो, बना लीजिएगा, एक नंबर नहीं कटेगा। अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना डिग्री कौन बना, 90 डिग्री, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो 90 डिग्री, लेकिन अभी इतना बना से आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब इसके बारे में लिखना कि आपने बनाया कैसे, आपने लिखा कैसे, तो आपने पहले एक वृत्त बनाया है ना, वृत्त पे आपने ये लाइन खींचा, पी ओ को मिलाया, फिर पी के बाद 60 डिग्री कौन बनाया, फिर ए पर जो स्पर्श रेखा, एक जो ए पी ए जो त्रिज्या है, पी बी त्रिज्या, यहाँ पे जो है 90 डिग्री कोण बनाया आपने, और फिर इसको मिलाया उसे। तो इस बात को लिख लेते हैं, तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले लिख लिया और यहाँ पे बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया था, पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था और वृत्त का केंद्र ओ था, ओ पर ऊपर नीचे ओ था ना, और मैंने क्या कर दिया,
इसको ओ मानते हैं, इसको उल्टा मैंने लिख दिया, तो ओ यहाँ पे है ना, वृत्त का कोण इकेंद्र और ओ के ऊपर और नीचे 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। उसके बाद ए ओ तथा ओ बी को मिलाया, ए ओ और ओ बी को मिला दिया। उसके बाद क्या किया, ओ ए पी और ओ बी पी पर 90 डिग्री कोण बनाया। देखिए ओ ए पी ओ बी पी पर 90 डिग्री कोण बना, ये बात को मैंने लिख दिया। फिर क्या किया, और ए पी बी पी को मिलाया, देखिए ए पी और बी पी को मिलाया। पी ए तथा पी बी वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ये देखो पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है। इस प्रकार हमारा कोण क्या बन गया, ए ओ सॉरी हाँ ए पी बी है ना, ए पी बराबर 60 डिग्री। तो आपको ये फिगर सिर्फ नहीं बनाना है, फिगर बना के आपको ये लिखना है। तो बच्चे बोलते सर मैंने फिगर तो बनाया, 5 नंबर नहीं मिला होगा, तो फिगर बनाने में आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको इसको लिखना भी है, यानी कि रचना के चरण लिखना है, कैसे कैसे आपने बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत काफी मजा आया होगा, नीचे कमेंट करें और आपने ये बताना कि आपने अपने से कितना सवाल बनाया। ओके बाय।